देखो पहला था कि सम ऑफ द एरे, ये क्वेश्चन आज करेंगे एरे का बेसिक। इसको चावल ला दें देखो। अरे देखो तुम दोनों इस्माइल और वो क्या नाम है विक्रम, देखो ये जो एरे दिया ना ये एरे है, क्वेश्चन में दिया है एरे, कोई कंपनी में ये क्वेश्चन पूछा है कि नहीं? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इससे सिंपल कोई क्वेश्चन हो ही नहीं सकता, ना ही कोई कंपनी में नहीं पूछा गया है। देखो ये एरे दिया है नीचे, अरे दिख रहा है, हाँ चाहे ना बोलो भाई, ये एरे दिख रहा है, हाँ दिख रहा है दिख रहा है दिख रहा हाँ तो ये एरे दिख रहा है, इसका ये साइज है, इसका साइज एन एन इज इक्वल टू फोर दिया दिख है, रहा हैं अच्छा साइज एरे, अच्छा साइज इक्वल टू एन यानी साइज है। देखो यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ो पढ़ो, गिवन एन इंटीजर एरे ऑफ साइज एन, द टास्क इज टू फाइंड द सम ऑफ इट। अब इससे आसान क्वेश्चन हमको लग रहा है कि कुछ नहीं हो सकता है, समझा? तो देखो जो भी एरे में दिया ना, एरे में क्या दिया है, वन टू थ्री फोर दिया है, तो पूछ रहा है इसका सम कितना है, इस एरे का सम कितना है बताओ तो। दस दस, तो अब तो वो हमको कोडिंग के जरिए निकालना है, कोडिंग के जरिए निकालना है, तो तुम इसको ऐड कर सकता है, निकाल सकता है सम। अरे निकाल सकता है कि नहीं बता, हाँ और एक यहाँ भी है, और एक यहाँ भी आ रहा है, इसका साइज 3 है, देख लो यहाँ का इसका सम कितना, 7, आउटपुट में 7 दिया है, तो देखो इस कोड को हम कैसे करेंगे, क्या ना हम देखना, इंट एन इक्वल टू मान लो ये कौन सा, कैसा हुआ 133? 1336 हो गया, प्लस 1 7 हो गया, आउटपुट 7 हो गया, यहाँ पे एक्सप्लेन करके कोड दिखाया, एक्सप्लेन करके ये कर लेना, एन इक्वल टू 3 दिया है ना? कहाँ इक्वल टू 3 दिया है बे, ये एरे है ना, ये क्वेश्चन दिया है नांडू, ये एरे है ना, ये एरे का क्वेश्चन दिया है, ये एरे इक्वल टू इतना है, हम लोग करते हैं साइन इंट दिया है वो तेरे, इंट एरे, ये साइन दिया है ऐसे करके, इंट एरे इक्वल टू ऐसे करते थे 1, 2, तुम वीडियो देखा है स्मार्ट प्रोग्रामिंग का, बोले थे जो वीडियो देख के लाने के लिए आने के लिए, 133 दिया है, वीडियो तो देखा नहीं है तुम, आ गया ऐसे ही, ये है देख ऐसे दिया है, अरे बोल ना रे, हाँ तो इसका सम क्या है, 1 दिया है, 3 दिया है और 3 दिया है, इसका सम 7 हो जाएगा, हाँ हाँ 7 हो जाएगा, तो देख इसको हम कोडिंग कैसे करेंगे, इसका कोडिंग बहुत सात सिंपल, हो जाएगा, हाँ देख इसका बहुत है, बहुत सिंपल है, 4 आई इक्वल टू 0 से चला देंगे, इंडेक्स 0 होता है, आई इज लेस देन एन कर देंगे, आई प्लस प्लस, हाँ एन इक्वल टू एन प्लस एरे ऑफ आई, और यहाँ से इंटीजर रिटर्न टाइप, इसका इंटीजर है, हम इंटीजर रिटर्न करा देंगे, एन रिटर्न करा दिए, ये तुम्हारा आंसर हो गया, ऑलरेडी डिफाइन है, दस आ गया इसका एरे का, ये देखो एरे का साइज 4 है और ये टोटल एरे दिया है, क्वेश्चन है ये, अरे हम लोग इस पर प्लेटफॉर्म पर क्वेश्चन कर रहे हैं, और ये देखो ये एरे का साइज दिया है, ऊपर वाला एरे का साइज है और नीचे वाला एरे है, 1 2 3 4 5 4 दिया है, 1 2 3 4, हेलो बोल भाई बोल, हाँ हेलो, हाँ हाँ अरे बोला करो भाई, ये देख ये ऊपर ठीक का जो है ना, ऊपर का ये साइज है, एरे का साइज है और नीचे का है ये ना, ये एरे ठीक, है, हाँ 1 2 3 4, हाँ तो देखो यहाँ पर हम सम कर दिए, यहाँ पे कोड हम सबमिट भी कर रहे हैं,
ये कोड सबमिट हो गया, प्रॉब्लम सॉल्व सक्सेसफुली। हाँ समझ में आया कैसे कोड रन हुआ? देख समझा रहा हूँ, ये क्या है, हट जा। देखो क्या था, कौन आ गया अब? विक्रम, विक्रम तो बोला करो। वो देखो क्या था, एरे मान लो हम लिख दिए इंट, इंट एरे इक्वल टू 1, 2, 3, 4, इसका हमको सम निकालना है। हाँ तो क्या, एक हम वेरिएबल ले लेंगे जिसमें हम सम स्टोर कराएंगे, इंट एनो इक्वल टू, मान लो हमने लिया इसको जीरो, अभी इसका सम जीरो है, मान लीजिए जीरो है, उसके बाद हम एक फोर लूप लगा लेंगे, फोर इंट आई इक्वल टू जीरो, ये इसका डेसिमल जीरो, जीरो से स्टार्ट करेंगे और कहाँ तक जाएगा आई का वैल्यू, उसका एरे डॉट साइज तक जाएगा, एरे डॉट लेंथ, समझा? और आई प्लस प्लस, अरे समझ में आया ये क्या लिखे हैं? हाँ समझ आ रहा है। और एनओ इक्वल टू एनओ प्लस, और जो भी ये तो प्लस कर दिए, एरे ऑफ आई, और यहाँ पे प्रिंट करा देंगे, इस मारो प्रिंट करा दिए हम एनओ। चलो एक बार रन करके दिखा दे रहे हैं, देखो कलर चेंज कर लेना तो इसका, ये एरे, ये तो एरे हो गया, ये एरे दिया, इसका हमको सम निकालना है, समझा? एरे में कुछ भी हो सकता है, अभी ये दिया है मान लो, तो इसका हमको सम निकालना है, तो क्या हुआ, अभी तो एनओ जीरो है, पहले ये आएगा तो एरे मिलेगा, उसके बाद ये मिलेगा। हाँ इंट एनओ इक्वल टू जीरो, तो एनओ कितना है अभी, जीरो है, जीरो है। हाँ उसके बाद इस फोर लूप में आएगा, हाँ फोर लूप में आएगा, फोर लूप में आएगा, तो आई का वैल्यू अभी कितना हो जाएगा, आई इक्वल टू जीरो हो जाएगा, जीरो होगा। हाँ और एरे डॉट लेंथ का वैल्यू कितना होगा, एरे डॉट लेंथ का वैल्यू, एरे डॉट लेंथ का वैल्यू कितना होगा, 1 2, एरे डॉट, एरे डॉट लेंथ का मतलब क्या होता है, एरे का साइज, एरे का साइज कितना है, 1 2 4 है, ये 4 हो जाएगा, एरे डॉट लेंथ 4 हो जाएगा, 4। हाँ और इसका इंडेक्सिंग करेंगे, इसका एड्रेस क्या है, जीरो है, इसका वन है, इसका टू है, इसका थ्री है, और साइज इसका फोर है, एरे डॉट लेंथ से साइज आता है, एरे का साइज कितना है, आ गया। तो आई का वैल्यू जीरो है, कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स, ट्रू है, ट्रू, तो इसके अंदर आएगा, यहाँ पे आएगा, अंदर आएगा, हाँ अंदर आएगा, तो एनओ अभी कितना है, एनओ जीरो है, प्लस एरे ऑफ, एरे ऑफ जीरो हो जाएगा, एरे ऑफ जीरो, एरे ऑफ जीरो कितना है, जीरो, एरे ऑफ जीरो कितना है, उसके बाद क्या होगा, कौन अभी जो लिखे है ना एनओ इक्वल टू वन, एनओ इक्वल टू वन, एनओ इक्वल टू वन, अब उसके बाद क्या होगा, आई का वैल्यू यहाँ पर जाएगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा, फिर इंक्रीमेंट होगा, हाँ इंक्रीमेंट होगा, आई कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा, हाँ वन हो जाएगा, वन हो गया, वन का वैल्यू टू। हाँ अब देखो एनओ का वैल्यू अब कितना हो जाएगा, अब फिर अब देखो यहाँ, फिर ये कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स, ट्रू है, ट्रू है, ट्रू है, तो नीचे आएगा, एनओ का वैल्यू अभी कितना है, एनओ का वैल्यू अभी कितना है, टू है, अरे एनओ, एनओ का वैल्यू कितना है, एनओ का वैल्यू अभी कितना निकाला था, एनओ का वैल्यू वन है ना, यहाँ पे एनओ का वैल्यू वन है, अभी वन है, वन प्लस टू थ्री हो जाएगा ना, हाँ वन प्लस थ्री, एनओ का वैल्यू कितना हो जाएगा, थ्री, थ्री, एनओ का वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा थ्री, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद फिर आई बढ़ जाएगा, आई बढ़ जाएगा, इंक्रीमेंट होगा, आई का वैल्यू कितना हो जाएगा, टू हो जाएगा, टू हो जाएगा, हाँ उसके बाद क्या होगा, फिर फिर नंबर, नंबर इज इक्वल टू,
नंबर प्लस अरे एनो कितना है, एनो थ्री है प्लस थ्री है एरे ऑफ क्या है, एरे ऑफ कितना होगा टू, एरे ऑफ टू हाँ थ्री प्लस थ्री हाँ थ्री प्लस थ्री सिक्स हो जाएगा हाँ एनो यहाँ पे सिक्स हो गया, सिक्स हो गया। फिर आई का वैल्यू कितना हो जाएगा, बढ़ जाएगा आई का वैल्यू, आई का वैल्यू बढ़ जाएगा आई का वैल्यू थ्री हो जाएगा ना थ्री हाँ थ्री। उसके बाद फिर क्या होगा, कंडीशन चेक करेगा कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स, कंडीशन ट्रू है, ट्रू है तो फिर अंदर आएगा एनओ कितना है, एनओ सिक्स है अभी, एनओ सिक्स है अब, एनओ सिक्स है ना अभी ये सिक्स है, सिक्स प्लस एरे एरे ऑफ थ्री कितना हो जाएगा फोर, फोर एनओ टेन हो गया टोटल, कितना होगा टेन हाँ टेन। उसके बाद फिर आई बढ़ जाएगा, आई फोर हो जाएगा, फोर हो जाएगा तो कंडीशन क्या होगा ट्रू की फॉल्स, फॉल्स हो जाएगा तो ये बाहर आ जाएगा, इस लूप के बाहर आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, यहाँ पे प्रिंट करा देगा सम, हाँ सम प्रिंट हो जाएगा, सम कितना टेन प्रिंट हो जाएगा हाँ। समझ गया कोड, कोड समझा, हाँ समझ गया। और कौन सा क्वेश्चन था, और क्वेश्चन था अभी स्कूल लेवल का करवा रहे हैं, सम द एयर अकाउंट द स्मॉल आर प्रिंट 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 ऑल द रिवर्स। ये देखो ये कम इंफोसिस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इंफोसिस लिख रहा है इंफोसिस एंड मैग मैगफ्रॉग दो क्वेश्चन देखो कंपनी में पूछा हुआ है क्वेश्चन है जी, ये दो कंपनी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, मैगफ्रॉग लैब लैब्स और इंफोसिस कंपनी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या बोल रहा है, इसमें देखो ये क्वेश्चन ये जो क्वेश्चन दिया है ना क्वेश्चन एक मिनट यहाँ पे जो एरे मान लो जो भी एरे है जो भी एरे देगा ना इसमें जो भी एरे दिया है वन टू मान लो इतना साइज का एरे दिया वन टू थ्री फोर तो इसको तुमको ऐसे ऐसे एरे दिया है ये भी जीरो पोजीशन पे है ये टू ये वन ये टू या ये थ्री ऐसा पोजीशनिंग है इसका पोजीशन ऐसा है स्माइल हाँ तो इसको बोल अब इसको क्या करना ना इसको उलट देना है इसको ऐसे करना है फोर थ्री रिवर्स करना है हाँ रिवर्स करना है इसको ऐसे करना है समझा हाँ तो इसको मतलब स्ट्रिंग का मतलब रिवर्स करना होता है क्या क्या किसका मतलब ये स्ट्रिंग का मतलब ना ना स्ट्रिंग का वो तो एक अलग से है स्ट्रिंग एक क्लास होता है वो भी एक डाटा डाटा टाइप होता है ना स्ट्रिंग का रिवर्स का मतलब होता है उल्टा करना अच्छा अच्छा तो देखो इसको इसको कैसे करेगा कुछ समझ में आ रहा है कैसे करेगा कुछ आइडिया कुछ आइडिया है मान लो एरे में ये नंबर दिया हुआ है ये नंबर दिया वन टू थ्री फोर और फाइव कुछ आइडिया दिया है तो कुछ आइडिया बताओ सोचो कैसे उसको उल्टेगा दया इसमें डिवाइड करके लास्ट वाला प्रिंट कराते जाएंगे रिमाइंडर को टेन से हैं टेन से नहीं जितना एरेक्स है जो उतना जीरो वाला से डिवाइड करके लास्ट वाले एलिमेंट को प्रिंट कराते जाएंगे तो रिवर्स हो जाएगा और मान लो 50 हो 60 हो तो कितने से डिवाइड मारेगा ये भी अरे इसको रिवर्स करने में क्या सोचना है भाई रिवर्स के फोर लूप उल्टा चला दो हाँ ये भी सही है हाँ अरे स्माइल फोर लूप हम लोग ऐसे चलाते थे हाँ फोर इंट इक्वल टू आई इंट आई इक्वल टू जीरो कर रहे थे ना हाँ तो इस बार उल्टा कर दो ये उल्टा कर दो अच्छा हाँ ये भी पूछा उल्टा तो तुम भी कर दो उल्टा देखो इसमें क्या करना है डिक्रीमेंट हाँ डिक्रीमेंट करना है इसमें देखो क्या करना है इसमें जो एरे मान लो ये एरे मान लो क्वेश्चन में दिया होगा एरे वन है मान लो तुमको एरे इंट एरे यहाँ पे ऐसे कर दो
इंट एरेज को ये दिया है, तो तुमको बोल रहा है ना कि इसको पलट के तुम एक तो क्या करना, तुम एक नया खुद का एक एरे बना लो, खुद एक नया एरे बना लो, इंट एरे टू के नाम से बना लो, इक्वल टू न्यू, ये इक्वल टू है न्यू इंट, और साइज जितना है ना उतना साइज इसका रख लो, एरे वन का साइज जितना है ना उतना ही साइज का एक और एरे बना लो, समझा? हाँ उतना ही साइज का ये एरे बन गया, जितना ये ऊपर वाला साइज का नया एरे बनाया है तुम, मान लो ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये क्वेश्चन है तुम्हारा कि ये एरे दिया है तुमको पलटना है, तो तुम एक एरे बनाया, नया एरे बनाया उसी साइज का, इसमें भी कुछ नहीं है, समझा? तो क्या करो उसके बाद एक फोर लूप लगाओ, फोर इंट आई इक्वल टू उल्टा चला दो, एरे वन डॉट लेंथ, और एरे वन डॉट लेंथ इसका साइज कितना होगा, एरे वन डॉट लेंथ का साइज 5 है ना, साइज 1 2 3 4 साइज 5 है, तो क्या ये चलेगा कि गलत हो जाएगा, इसमें 5 इसका एड्रेस कहीं 5 है, हाँ साइज 5 है, एड्रेस 5 थोड़ा है, साइज 5 है, एड्रेस 4 है, हाँ एड्रेस 4, तो माइनस 1 करना पड़ेगा, एक एरे एरे वन डॉट लेंथ 5 आएगा, माइनस 1 कर दिए तो 4 पे आ जाएगा, 4 पे आ जाएगा, और आई इज ग्रेटर देन 0 कर देंगे, और आई का यहाँ पे डिक्रीमेंट करा देंगे, आई का डिक्रीमेंट करा दिए, और यहाँ पे देखो, और जो ये नया वाला एरे है ना, एरे टू का वैल्यू उसके बराबर कर देंगे, एरे एरे ऑफ एरे टू ऑफ आई इक्वल टू, ना ना इसको तो तुमको अब जीरो पर कराना है ना, इसको जीरो मान लो, एक और वेरिएबल ले लो इंट जे इक्वल टू, इंट जे इक्वल टू जीरो करा लो, समझे? तो यहाँ डाल दो, क्योंकि इसके जीरो पोजीशन पे इसका जो फाइव है ना, इसका जीरो, जो नया एरे बन रहा है, जो नया एरे बना है, जो नया एरे बना है, ऐसे जो नया एरे बनेगा ना, तो इसके ये जो पोजीशन है इसके जीरो पर ना स्टोर करेगा, इसको जीरो एड्रेस पर ना स्टोर करेगा, हाँ हाँ सही है। तो यहाँ पे एक और वेरिएबल ले लो इंट जे इक्वल टू जीरो, और यहाँ पे एरे एरे ऑफ टू, एरे टू ऑफ जे इक्वल टू करा दो एरे ऑफ एरे वन ऑफ आई, एरे वन है, एरे वन ऑफ आई हो गया, तुम्हारा केस खत्म। फिर से समझाए? हाँ समझाओ, फिर से समझाओ, समझ में थोड़ा थोड़ा आ रहा है, थोड़ा थोड़ा आ रहा, पहली बार में बहुत है। देखो मान लो ये एरे है, छोटा ही ले रहा हूँ, 1 2 3, और इसको ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, मान लो ये क्वेश्चन में दिया है, इसका नाम है एरे वन, समझे? तो इसका लेंथ कितना है, लेंथ कितना है, लेंथ 3, लेंथ 3, और एड्रेसिंग एड्रेसिंग 0 1 2 3 है, 0 1 2, हाँ 0 1 2, हाँ मान लो ये, तो हम एक क्या करेंगे ना, एक एरे टू लेंगे, एरे टू लेंगे ऑफ सेम साइज, हाँ समझे? तो उसको क्या करना है, जो इसके 3 2 पे है तो उसको पहले लाने के लिए, तो इसके 0 पे ये आ जाएगा ना, आएगा कि नहीं, जो बीच में यहाँ पे आ जाएगा, जो 1 पे वो सबसे लास्ट पे चला जाएगा, 0 1 2 2 पे आ गया। तो देखो इसके लिए क्या करेंगे, पहले तो एक सेम टू सेम बनाएंगे, एरे बनाएंगे इंट इंट एरे टू इक्वल टू न्यू, यहाँ पे ये वाला रहेगा, ये वाला, ये न्यू इंट, अनुराग जी भैया आ रहा ना समझ में? जी आ रहा। अरे वन डॉट लेंथ हो गया, सेम साइज का एरे क्रिएट हो गया जी। इस्माइल ये आया ना समझ में? सेम साइज का एरे क्रिएट होगा। उसके बाद एक और वेरिएबल ले लो इंट जे इक्वल टू, जे इक्वल टू जीरो कर दो, समझा? फोर इंट आई इक्वल टू उल्टा चलाना है, एरे वन है ना, एरे वन डॉट लेंथ माइनस वन, आई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, और आई का तुम डिक्रीमेंट करा दो, अब प्रिंट करा दो, ना ना प्रिंट, और यहाँ पे जे का वैल्यू तुमको बढ़ाना पड़ेगा ना, हो गया। अब देखो, अब एरे ऑफ टू, एरे टू ऑफ आई
अब एरे टू ऑफ जे होगा, यहाँ पे जे होगा इक्वल टू एरे, एरे वन है ये, वन है एरे वन ऑफ आई, और यहाँ पर तुम जे का वैल्यू बढ़ा दो, जे का भी वैल्यू तो बढ़ेगा ना जी, तो, नहीं तो केवल जीरो पे ही स्टोर करते रह जाएगा। ये भी तो लाइक जैसे स्वैप हो गया। हाँ क्या बोल रहा, स्वैप की तरह। हाँ स्वैप की नंबर, नंबर का स्वैप नहीं करते हैं। हाँ थोड़ा इसी टाइप का हो गया। अरे इसमें तो स्पेस भी यहाँ पे न्यू, बताओ एक बताओ अनुराग, ये देख तुम्हारे लिए है, मान लो यहाँ पे हम न्यू एरे क्रिएट कर रहे हैं तो ये तो कुछ स्पेस भी तो लेगा मेमोरी में। जी जी लेगा। तो तुम्हारा ये काम है ना कल आना, कल तुम ये क्वेश्चन बना के आना कि बिना स्पेस लिए, बिना कोई नया स्पेस लिए डायरेक्ट इसको इसमें बदल देना है बिना कोई स्पेस लिए, ठीक समझा? ये तुम्हारा होमवर्क है, बिना कोई स्पेस लिए इसको इस एरे में बदल देना है, ठीक। वो थोड़ा इससे मुश्किल होगा लेकिन वो भी आसान है, समझ स्माइल? ये कोड समझ गया कैसे होगा? कौन सा ये वाला जो अभी राउंड मारे थे? हाँ फिर से समझाना पड़ेगा? नहीं जरूरत नहीं, समझ आ रहा है, समझ आ रहा है ना? देख यहाँ पे हाँ मतलब ये तो हर इसको लेना पड़ेगा ना, हर क्वेश्चन को, क्या हर क्वेश्चन को, हर क्वेश्चन को लिखना पड़ेगा ना? हाँ लिख ले, लिख ले, अरे शुरू में तो लिख ले अगर प्रैक्टिस करने के लिए है, नहीं तो देख यहाँ पे एरे मान ले जो भी हो एरे ऑफ, ये समझ में आ गया कोड? फिर समझाना पड़ेगा? हाँ समझ आ गया। यहाँ पे जे प्लस प्लस करना, यहाँ पे जे प्लस प्लस करना, पहले यहाँ पे जीरो होगा मान ले, फिर दोबारा आएगा तो वन हो जाएगा, फिर दोबारा आएगा तो टू हो जाएगा, और इधर ये तो घट रहा है ना, ये थ्री से टू हो रहा है, वन हो रहा है, ऐसे हो रहा है, ये घट रहा है, ये बढ़ रहा है, तभी तो इसके इसके जीरो पे स्टोर होगा इसका थ्री, पहले इसका ज्यादा आएगा और इसका कम आएगा, समझ रहा? ऐसे। और एक कौन सा क्वेश्चन था, ये कौन सा क्वेश्चन था, मैक्सिमम और मिनिमम, ये तो फाइंड कर लेगा ना मैक्सिमम और मिनिमम, वो डायरेक्ट डालेगा मतलब, मैं तो वो मैं बोल रहा हूँ कि वो फाइल है ना वो गर्म वाली, वही डायरेक्ट जोड़ दे उससे, इससे वो ठंडी वाली वो टी जो है ना उसमें माइक ऑफ कर लो, माइक ऑफ करो, वो हटा, और मान लो है टू फोर फाइव वन थ्री, तो ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन है कि तुमको मिनिमम, मिनिमम इसका इस एरे का मिनिमम क्या क्वेश्चन दिया, मान लो ये क्वेश्चन है इसमें दिया एरे, एरे वन है समझा, तो एरे वन में इसमें तुमको चेक कर बताना है कि ये जो भी एरे है ना इसमें मिनिमम क्या है, मिनिमम क्या है इसमें, मिनिमम इक्वल टू वन है और मैक्सिमम इक्वल टू क्या है, मैक्सिमम इक्वल टू फाइव, ये दोनों फाइंड करना है, मान लो कोई भी एरे दिया है उसमें मिनिमम और मैक्सिमम फाइंड करना है, कैसे फाइंड करोगे कोई बताएगा तुम तीनों में? दो ही है, तीन तो तीन का है। अरे तुम तीनों में दो ही, एक कौन है चला गया, विक्रम चला गया, ओ चल ठीक है, तो तुम दोनों में बताओ इसमें मिनिमम और मैक्सिमम कैसे फाइंड करेगा, जैसे कल नहीं किए थे एक को बड़ा, हाँ 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 मतलब विक्रम इस्माइल कल किए थे वाला वाला। हाँ कल हाँ, तो कल हो तो जो कल हो क्या था, हाँ जो कल है तो ग्रेटर का साइन लगाया था ना, लार्जेस्ट, लार्जेस्ट जो ग्रेटर होगा, ऐसे किए थे एरे ऑफ आई एक को बड़ा मान लिए थे, इसी में से पहले वाले को बड़ा मान लिए थे पहले जो क्वेश्चन कल किए थे, हाँ हाँ हाँ, तो इसी में से एक को बड़ा मान लिया था शुरू में, बड़ा मान लिया था, उसके बाद कंपेयर कर रहे थे लार्जेस्ट से, अगर वो बड़ा होगा तो उसका वैल्यू अपडेट कर रहे थे इफ कंडीशन में लगा के, ऐसे इफ कंडीशन में लगा के उसका वैल्यू हम लोग अपडेट कर दे रहे थे, लार्जेस्ट इक्वल टू एरे ऑफ आई अपडेट कर रहे थे उसका वैल्यू, हाँ हाँ अपडेट कर रहे थे, हाँ तो ऐसे अब देख मिनिमम फाइंड करना है ना, मिनिमम फाइंड करना है तो किसी पहले वाले को मिनिमम मान लो समझे, और इसका जो वैल्यू ऐसा है ना ऐसा, तो इसको उल्टा कर दो, ऐसा कर दो समझे,
तब तुम्हारा मिनिमम आ जाएगा। ये तुम्हारा काम है, ये कॉल का कोड लिख के लाना, इसका कोड लिख के लाना है तुमको, समझा? इस वाले क्वेश्चन का दोनों का मिनिमम एंड मैक्सिमम, हाँ मिनिमम और मैक्सिमम दोनों का कोड लिख के लाना है, अच्छा समझा? और एक और क्वेश्चन तुम लोग ले लो, एक और क्वेश्चन ले लो, माइक बंद करो, माइक बंद करो, मान लो ऐसा क्वेश्चन दिया है, मान लो क्वेश्चन ऐसे दिया है एरे का, तो तुमको ये एक ऐसा एरे बनाना है ना जिसमें जीरो ऐसे आ जाए, सेम साइज का एरे हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 तो देखो इसमें टोटल कितना जीरो है, इसमें कितना जीरो है, 1 2 3 4 जीरो है, तो 4 जीरो यहाँ पे आ जाए, पहले 4 जीरो आए, जितना भी जीरो हो वो पहले आए और बाकी जो 1 है ना वो बाद में आ जाए, ऐसे इसको सॉर्टिंग करना है, ये सबसे छोटा सॉर्टिंग है, समझा? इसको सॉर्ट करना है, जितना भी जीरो है वो पहले आ जाए और जितना 1 है वो बाद में आए, समझा? ये तुम दोनों को कल ये क्वेश्चन बनाना है और वो भी उसका भी कोड लिख के लाना है जी, समझा? ये क्वेश्चन समझा? जी समझ गया, समझ गया। और एक क्वेश्चन और देता हूँ, देखो ये एरे दिया है, इसमें कुछ डुप्लीकेट, कौन सा डुप्लीकेट एलिमेंट है? कोई डुप्लीकेट एलिमेंट है इसमें? 3 हाँ 3 डुप्लीकेट एलिमेंट है, दो बार इस्तेमाल हो रहा है, 3 दो बार आ रहा है, तो कोड लिखना है, वो कोड लिखना है जो कि डुप्लीकेट एलिमेंट को फाइंड कर दे, फाइंड द डुप्लीकेट एलिमेंट, क्वेश्चन है फाइंड। तुम दोनों को मिल के समझ के आना है, कल पूछेंगे कैसे हुआ, एक्सप्लेन करो, समझा? और इसमें एक और क्वेश्चन, इसमें एक और क्वेश्चन ले लो, ये क्वेश्चन तुम लोग कर देगा उसके बाद सॉर्टिंग आसान पड़ेगा, सॉर्टिंग सीखने में आसान पड़ेगा, सॉर्टिंग सिखा देंगे उसके बाद हैशेट सिखा देंगे दोनों, समझा? एक और क्वेश्चन ले लो, सेम टू सेम ऐसे ही, जब वो बन जाएगा ना तो ये कुछ नहीं है, छोड़ना उसे, उसे क्यों मारा जा रहा है? ना ना यहाँ पे कर लो, 2 ये 2 है, 2 तो इसमें एक यूनिक एलिमेंट है, ये 3 चुके हैं आप, इसमें 3 एक ही बार ना आया है, बाकी सब एलिमेंट रिपीट हो रहे हैं जी, 3 यूनिक एलिमेंट फाइंड करना है, तो फाइंड द यूनिक एलिमेंट, समझा? आपस में बैठना, डिस्कस करना कि कैसे होगा, कोड रन करके 5-6 टेस्ट केस खुद से क्रिएट करना, और उसके बाद कल आके अपना कोड दिखाना, ना हुआ तो हम करेंगे। कितना टाइम हो गया? 7:30 अजमल, समझ में आया जो आज हुआ है? हाँ समझ आ रहा है, समझ आ रहा है, अभी स्टार्टिंग है ना, थोड़ा सा दिक्कत, हाँ अरे शुरू में तो दिक्कत होता है, पहली बार में दिक्कत होता है, जब रिविजन करेगा ना, जब रिविजन करेगा ना तो अच्छे से समझ में आएगा। हाँ चलो ठीक है, थैंक यू, कोड बना गई हो सब, बिना बनाने मत आना, ठीक है।